नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इस समय मुद्दा चल रहा है लोकसभा चुनाव के परिणाम का। या इस समय सब जगह यही चर्चा जोरों में है कि आखिर में सरकार किसकी बन रही है, कौन बहुमत में आ रहा है, मोदी जी का क्या होगा, मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक मार पाएंगे कि नहीं, अगर मारेंगे तो कितना सीट लेके आएंगे, एनडीए कितनी होगी, बीजेपी कितनी होगी, विपक्ष कितने पहुंचेगा, क्या विपक्ष मजबूत बनेगा या विपक्ष और बिखर जाएगा। इन्हीं सब विषयों पर खूब चर्चा चल रही है, हर गली में है, नुक्कड़ में, ट्रेन में, बस में, सब जगह हर कोई यही जानना चाहता है कि 4 तारीख तो बहुत दूर है, हमें आज बताइए आज क्या होगा। तो हम आज जो है महाराष्ट्र के जो 48 सीट खासकर है उसको लेकर जो चर्चा गर्म है पूरे देश में कि जो जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ हुई हैं 2022 के बाद, 2019 के बाद, उसको देखते हुए लोग जो है इसमें बहुत उत्सुक है कि इसका परिणाम जो है लोकसभा चुनाव में किस तरह देखने को मिलेगा। खासकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जी का जो दोनों जन का जो साथ एक दूसरे से टूटा हुआ है उसका क्या परिणाम होगा वोटरों पर, क्योंकि नेता तो टूट गए हैं लेकिन वोटर टूटे हैं कि नहीं, इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों में चर्चा है। तो हम आज जो है अपने वीडियो में महाराष्ट्र जो 48 सीट है उसके एक एक जगह के ब्यौरा में हम आपको बताएंगे कौन जीत रहा है, कौन पार्टी जो है कहाँ से जीत रहा है। यानी 48 सीट में इसका जो पिछली बार 2019 में 41 सीट एनडीए की आई थी और 7 सीटें जो है विपक्ष हो गई थी, तो इस बार जो है विपक्ष और पक्ष दोनों मिक्सअप हुए हैं। 2 शिवसेना है, 2 NCP है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन भी है और लोग बहुत उत्सुक भी हैं जानने के लिए। तो हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार, इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए है और हम इनसे जो है एक एक सीट का जो है ब्यौरा आज हम बताएंगे कि आप लोगों को कि कौन कहां से जीत रहा है। अभी तक तो हम खाली अंदाज़ा बता रहे थे कि यहां से इतनी सीट निकल सकती है इनकी, इतनी सीट इनकी निकल सकती है महाराष्ट्र में। तो आज हम जो है एक एक स्थान भी बताएंगे कि कौन जीत रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में किसकी कितनी सीट आएंगी। सर, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका। तो हम आज जानना चाहेंगे कि 1 से लेके 48 तक एक एक सीट का आपको ब्यौरा दीजिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप देखेंगे तो आपको बोरियत नहीं महसूस होगी क्योंकि आप तो जानना ही चाहते हैं कि कौन कहाँ जीतेगा, क्योंकि आपके स्थान का भी जो है सीट इसमें होगी। तो हम कहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से कोल्हापुर? देखिए, हाँ, कोल्हापुर से पहला सीट है। तो बिल्कुल हम शुरू करते हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में, समीकरण में ये लोकसभा का चुनाव हुआ है जिसमें महाराष्ट्र सबसे इम्पोर्टेंट राज्य है। 48 लोकसभा सीटें हैं, दूसरे नंबर की लोकसभा उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा, और इस चीज की सबसे ज्यादा लोगों में उत्कंठा बनी हुई है कि इस राज्य में क्या होगा, बीजेपी स्विंग करेगी या उद्धव जी का जो है सितारा फिर से बुलंदी पर पहुंचेगा, या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का अगला राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर होंगी। आपने बिल्कुल सही कहा। तो हम सबसे पहले जो करबीर निवासिनी का क्षेत्र है कोल्हापुर, उससे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोल्हापुर में हर सीट जैसे महाराष्ट्र का, इस बार देखिए बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं पाठकों को कि बहुत अप्रत्याशित परिणाम भी आने वाले हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि मतदाता कंफ्यूज था, पाठक भी कंफ्यूज हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपने पार्टी के विचारधारा के दलों की लगी हुई है कि मेरी पार्टी फिर से उठेगी या आएगी सत्ता में, या हमारी लोगों को कितनी सीटें मिलेंगी। तो सबसे पहले गिरी जी कोल्हापुर से हम शुरुआत करते हैं। कोल्हापुर करबीर निवासिनी माँ अंबाबाई का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भी इस बार जो है छत्रपति संभाजी महाराज स्वयं जो वहाँ के छत्रपति कोल्हापुर राजगद्दी के हैं, वो कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए हैं, थे उम्मीदवार, चुनाव भी लड़ा। और इसके बाद संजय मंडलिक जो हैं वो शिवसेना के शिंदे गुट के या महायुति के उम्मीदवार थे। इन दोनों में अच्छी टक्कर हुई है, लोगों में काफ़ी उस सीट को लेकर उत्कंठा है, लेकिन इसमें ये दिख रहा है कि संजय मंडलिक जो हैं ये चुनाव जीत सकते हैं। इसमें यानी कांग्रेस को एक सीट मिली, कांग्रेस को एक सीट जाएगी, कांग्रेस संजय मंडलिक शिवसेना से, शिवसेना की बात कर रहे हैं, लेकिन मंडलिक और छत्रपति साहू जी महाराज में बहुत कड़ी टक्कर हुई है, लेकिन फिर भी वोटों के बंटवारे का एकदम जिस तरह से कहा गया है तो संजय मंडलिक निकाल सकते हैं ये सीट, ऐसा चर्चा चल रही है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं इसमें, हो सकते नहीं। आज हमारा जो डिस्कस है
कौन जीतेगा, तो यहाँ पर जीतता हुआ दिख रहे हैं, जीतता हुआ देखिए। हम तो कोई भविष्यवक्ता तो हमें नहीं हम लोग, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज का पलड़ा बिल्कुल भारी नजर आ रहा है, यानी कांग्रेस को पहला सीट। हाँ, अब दूसरा, दूसरी सीट सोलापुर की है। देखिए सोलापुर भी हाई प्रोफाइल सीट रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जो है शिंदे, सुशील कुमार शिंदे की पुत्री परिणीति शिंदे और राम सातपुते जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो यहाँ भी देखिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने उनको दिया था, समर्थन दिया था, तो यहाँ से भी सोलापुर सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है, तो दो सीट यानी कि 48 में से पहला दोनों सीट जो है कांग्रेस के खाते में। सांगली सीट जो है, सांगली उसके बगल की सांगली सीट है, यहाँ से बीजेपी के संजय काका पाटिल और चंद्रहास पाटिल जो है, चंद्रहार पाटिल यूबीटी से, और उसके बाद एक विशाल पाटिल जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल के नाती, यहाँ त्रिकोणी संघर्ष हुआ है। यहाँ त्रिकोणी संघर्ष में संजय काका पाटिल का पलड़ा भारी है और वो ये सीट निकाल लेगी बीजेपी, ऐसा बिल्कुल बीजेपी नजर को पहला से है। यानी कि हाँ, सांगली जो है बीजेपी को चौथे स्थान पे आप हाथ कंगड़े को ले सकते हैं। धैर्यशील माने और राजू सेट्टी जो सेतकरी कामगार नेता रहे हैं, किसानों के नेता रहे, राजू सेट्टी पूर्व सांसद भी रहे हैं, धैर्यशील माने, और इनके बीच में जो है लड़ाई है। बाकी एक शिवसेना यूबीटी के भी उम्मीदवार थे, लेकिन लड़ाई धैर्यशील माने और राजू सेट्टी के बीच में मानी जा रही है। तो धैर्यशील पाटिल जो है शिवसेना शिंदे गुट से, ये सीट उनके खाते में जाती हुई दिख रही है। खाता खुला दूसरा सीट हो गई। बगल की सीट में आएंगे आप सतारा, जो सतारा भी हाई प्रोफाइल सीट रही है। उदयन राजे भोसले जो हैं बीजेपी से और शशिकांत शिंदे जी एनसीपी मतलब शरद पवार गुट के उम्मीदवार रहे, यहाँ जो है उदयन राजे भोसले इस बार इस सीट पर विजय हासिल करेंगे, ऐसा ही नजर आ रहा है बिल्कुल। यानी कि दूसरा सीट जो है बीजेपी। हाँ सतारा। फिर आ जाइए माढ़ा पे। माढ़ा में रंजीत सिंह निम्बालकर और धैर्यशील मोहिते पाटिल के बीच बहुत कट्टर कांटे की लड़ाई हुई है, क्योंकि वहां भी उम्मीदवार बदले गए। माढ़ा में बीजेपी ने उम्मीदवार बदला है, धैर्यशील मोहिते पाटिल भी एनसीपी, धैर्यशील मोहिते पाटिल एनसीपी की तरफ आए और शरद पवार का काफी क्षेत्र रहा है, शरद पवार यहां से सांसद रहे, तो ये सीट जो है ये एनसीपी शरद पवार गुट के पास जाता है। सातवीं सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट भी बारामती मानी जाती है। देखिए बारामती में पवार परिवार के बीच ही लड़ाई हुई है। हमने कहा कि पवार परिवार के दोनों हाथों में यहाँ लड्डू है, लेकिन अजीत पवार जिस तरह से पूरी तरह यहाँ लगे रहे और उन्होंने पूरा समय दिया अपना उम्मीदवार को जिताने में, अपनी पत्नी को जिताने में, तो इससे लगता है सुनीत्रा पवार इस सीट पर भारी पड़ेंगी और सुनीत्रा पवार लोकसभा में अपनी लगातार अपने वीडियो अपनी में बोलते आ रहे को हरा के लोकसभा में इस बार जो है एंट्री करेंगे। सुनीत्रा पवार जी जो है इस बार जीतेंगी, हाँ जीतेंगे। और सुप्रिया सुले जी जो है इस बार निराशा हाथ लगी और ये पवार साहब के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। पुणे तो अजीत दादा का जो है पहला स्कोर हो गया जी। इसी तरह देश की महाराष्ट्र की सांस्कृतिक नगरी, शिक्षा का माहिर कहा जाता है पुणे, बहुत शिक्षित मतदाता हैं। यहाँ से देखिए बीजेपी का भी गढ़ रहा है। मुरलीधर मोहोर यहाँ फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने रविंद्र धंगेकर हैं। कांग्रेस अच्छी लड़ाई लड़ा है रविंद्र धंगेकर ने। रविंद्र धंगेकर बहुत मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं। यहाँ एक मोरे वसंत मोरे करके यहाँ त्रिकोणी लड़ाई भी हो गई, तो त्रिकोणी लड़ाई में मुझे लगता है कि हमारा ऐसी कयास है या लोगों का यही कहना है कि मुरलीधर मोहोर फिर ये अपनी सीट बचाने में कामयाब। बीजेपी का स्कोर जो है पड़ता हुआ 3 पे पहुंच गया है। जी जी। उसके बाद आप मावल सीट पर आ जाइए। मावल सीट भी पुणे के बगल की सीट है। ये 3 लोकसभा मतलब यहाँ कुछ रायगढ़ में भी आती है, पुणे में भी आती है। तो मावल से श्रीरंग बारणे एसएस के उम्मीदवार रहे शिंदे गुट के और संजोग बाघले यूबीटी। यहाँ यूबीटी और शिंदे गुट में कई सीटों पर शिंदे गुट और यूबीटी दोनों शिवसेना में लड़ाई हुई। यहाँ श्रीरंग बारणे एक बार फिर जीतकर लोकसभा में पहुंचेंगे, ऐसा जीत हो जाए ये कहा जा रहा है। इसके बाद आ जाइए, करते रहिए आप लोग भी जी। कौन कहाँ जीत रहा है बाद में आप लोग बार बार पूछते हैं कि सीट वाइज सीट वाइज विश्लेषण कर रहे हैं कौन जीत सकता है। इम्पोर्टेंट सीट है सिरूर सीट, जो अमोल कोल्हे जी वो यहाँ से अजीत पवार के व्यक्ति थे, लेकिन इस समय वो शरद पवार के खेमे में है। शरद पिछली बार अजीत पवार ने ही इनको अमोल कोल्हे को सिरूर से लोकसभा में उतारा था और जितवाया था। इस बार जो है अब बदल गया है वहाँ का समीकरण, वो शरद पवार गुट से हैं। दूसरी तरफ शिवाजीराव आढ़लराव पाटिल जो शिवसेना में थे, यूबीटी शिवसेना में थे अविभाजित, वो इस समय एनसीपी शरद अजीत पवार गुट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें दोनों के बीच बहुत ही कांटे की लड़ाई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शिवाजीराव आढ़लराव पाटिल इस बार
जीत जाएंगे। कौन से पार्टी से? ये अजीत पवार की पार्टी। अजीत दादा, तो अजीत दादा को मतलब दो सीट कंफर्म होंगे, मिल सकती है ऐसा एक पूरी एक कंफर्म नजर आ रहा है। अब आ जाइए अहमदनगर सीट। अहमदनगर भी ऐतिहासिक सीट है, वहाँ सुजय विखे पाटिल जो हैं, बाला साहब विखे पाटिल और उनके उनके नाती हैं। सुजय विखे पाटिल पिछली बार बीजेपी से चुनाव, और उस उनकी जगह पर नीलेश लंके जो राष्ट्रवादी तुतारी शरद पवार गुट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ भी ये कांटे की तो लड़ाई हुई है, ऐसी चर्चा है, लेकिन सुजय विखे पाटिल आखिरकार ये सीट निकालने में सफल होंगे ऐसा लग रहा है। बीजेपी की सीट ये कन्फर्म हो सकती है, बीजेपी की चौथी सीट है जो कन्फर्म जी, जी जी हाँ। सिरडी एक सीट है, सिरडी देखिए साईं बाबा की धर्म नगरी, सिरडी को लेकर बहुत है। सदाशिव लोखंडे जो हैं बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो वो खासदार रही हैं। और उसके बाबू साहब वाकचौरे भी जो पूर्व खासदार हैं, यूबीटी यहाँ यूबीटी और बीजेपी के बीच दोनों सीट चल रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ सदाशिव लोखंडे ये सीट एससी के लिए आरक्षित है, वो सीट निकाल लेंगे ऐसा तय माना जाता है। बीजेपी की पांचवी सीट कंफर्म हुई। आप आ जाइए उधर की गढ़चिरौली सीट, ये भी एसटी सीट है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। गढ़चिरौली मतलब महाराष्ट्र की एक सीमा, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से लगने वाली सीमा की लड़ाई है। तो यहाँ अशोक नेते करके बीजेपी और नामदेव किरमान करके कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यहाँ गढ़चिरौली में इस बार लड़ाई बहुत ही कठिन है, और इसमें ये आदिवासी इलाका है, आदिवासी इलाका है। इस बार सबने इस यहाँ सभाएं की हैं, मोदी जी ने सभाएं की, राहुल गांधी आए, राहुल गांधी की बहन आई, मतलब एक तरीके से इसको प्रतिष्ठा की सीट मान ली गई, और इस बार एंटी इनकम्बेंसी का असर इस सीट पे देखने को मिला है। तो ये सीट गढ़चिरौली सीट बीजेपी के हाथ से जा सकती है और कांग्रेस यहाँ पर आएगी ऐसा बिल्कुल लोगों का कहना। गढ़चिरौली सीट कांग्रेस को, कांग्रेस की तीसरी सीट। उसी तरह देखिए चंद्रपुर की भी सीट, उससे बगल की चंद्रपुर की सीट भी है, वहां प्रतिभा धानोरकर हैं, वो पूर्व धानोरकर की पत्नी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे, और उनकी मुख्य लड़ाई सुधीर मुनगंटीवार जो बीजेपी के हैवीवेट मंत्री माने जाते हैं उसके बीच में लड़ाई है। तो इस सीट को लेकर भी कहा जाता है चंद्रपुर सीट इस बार कांग्रेस कब्जा करेगी। क्या बात है, कांग्रेस सुधीर मुनगंटीवार हारेंगे जी, सुधीर मुनगंटीवार हारेंगे इस तरह की रिपोर्ट है। चौथी सीट होगी कांग्रेस जी जी। अब आ जाइए रामटेक। रामटेक भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस से आए हुए हैं ये। रामटेक में सेना से लड़े राजू पारवे जी, राजू पारवे। रामटेक सीट भी बहुत ही कांटे की लड़ाई हुई है, और श्याम सुंदर बर्वे जो कांग्रेस से हैं, तो उनकी भी जो इस तरह की वहां देखने को मिला है, तो यही कयास लगाया जा रहा है कि ये दो तीन सीटों पर कांग्रेस ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है और कांग्रेस के पक्ष में वहां माहौल गया है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जो है रामटेक में, ये कांग्रेस के श्याम सुंदर बर्वे जी को मिल सकता है, और श्याम सुंदर बर्वे यहां से चुनाव जीत सकते, यानी एबीसी कांग्रेस को। क्या हो रहा है, विपक्ष तो हावी है एकदम। विपक्ष देखिए अप्रत्याशित निर्णय इसी को कहते हैं, अप्रत्याशित जो है आ सकते हैं। कांग्रेस की पांच सीट आ गई अभी तक, तो भंडारा गोंदिया की सीट जैसे आपने कहा, प्रशांत पड़ोले जी हैं और सुनील मेंढे जी हैं, तो यहाँ कांग्रेस के बीच काफी टक्कर है। भंडारा गोंदिया में ऐसे लगता है कि बीजेपी के सुनील मेंढे चुनाव जीत सकते हैं, यानी कि भंडारा गोंदिया का जो है जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह अकोला की सीट है, अनूप धोत्रे जी बीजेपी से हैं और अभय पाटिल जी कांग्रेस से हैं। अंबेडकर के जो मेन अंबेडकर वाली जो प्रकाश अंबेडकर जी, यहाँ त्रिकोणी संघर्ष हो गया है। इस त्रिकोणी संघर्ष का फायदा बीजेपी को ही मिलता दिख रहा है, इसलिए अकोला ये अनूप धोत्रे बीजेपी ये निकाल सकती है, बिल्कुल ये तय माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ त्रिकोणी संघर्ष काफी हुआ है। अब आ जाइए बुल्ढाना सीट। बुल्ढाना भी बहुत बड़ी सीट है, यहाँ नरेंद्र खेड़ेकर जो हैं ये यूबीटी से हैं और प्रताप जाधव जो हैं एसएस से हैं। यहाँ दोनों शिवसेना की लड़ाई में बुल्ढाना सीट से नरेंद्र खेड़ेकर की जो है जीत तय मानी जा रही है, यूबीटी की जो है, ये यूबीटी की खाता खुलती हाँ। दिख रही है। तो अमरावती सीट एक है, वो भी भाई हाई प्रोफाइल अमरावती नवनीत राणा जी, जो निर्दलीय जी वो इस समय बीजेपी के साथ हैं, उनको भी यहाँ भी त्रिकोणी लड़ाई है। यहाँ तो प्रहार के भी उम्मीदवार हैं, एक बलवंत वाखेड़े जी भी हैं जो ये इनके सामने खड़े हुए हैं। तो इसमें नवनीत राणा संघर्ष में है, त्रिकोणी संघर्ष में नवनीत राणा गिरी हुई थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी ये सीट जीत जाएगी, निकाल लेगी आठवां सीट हाँ। वासिम यवतमाल की सीट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ संजय देशमुख यूबीटी और राजश्री पाटिल सिंधे, यहाँ भी दोनों लड़ाई अच्छी हुई है, लेकिन वासिम सीट ऐसा लगता है संजय देशमुख जो यूबीटी के संजय देशमुख हैं, उद्धव ठाकरे गुट के, वो सीट निकालने में सफल हो रहे हैं। उद्धव जी की दूसरी सीट आ गई जी। नागपुर
कि जहां तक बात करें नागपुर में तो देखिए काफी लड़ाई काफी चर्चा हुई, बीजेपी के केंद्रीय हैवीवेट मंत्री प्रथम पांच नितिन पहले चरण में यहां पर चुनाव हुआ, चरण में चुनाव हुआ और विकास ठाकरे कांग्रेस से अच्छी लड़ाई लड़ी है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। इसमें नितिन गडकरी तय है कि नितिन गडकरी ये सीट बीजेपी निकाल लेगी। उसी तरह वर्धा की सीट जो है रामदास तड़स जी और अमर काले जी के बीच में लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। यहाँ भी वर्धा में रामदास तड़स जो है मजबूत दिखाई दिए हैं शुरू से और ये बीजेपी ये सीट निकालने में सफल हो जाएगी, यानी बीजेपी दो जगह पहुंच गई, 10 सीट हो गए बीजेपी के। बात आप आ जाइए परभणी की। परभणी में संजय जाधव यूबीटी से चुनाव लड़ा है उन्होंने उधवगुट से, और दूसरी तरफ महादेव जानकर जो महायुति में रासप राष्ट्रीय समाज पक्ष के उम्मीदवार इनको एक सीट, महायुति में एक सीट इनको भी दी गई है। तो इसमें ये मुकाबला बहुत कठिन लग रहा है, हालांकि परभणी में यूबीटी को ज्यादा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए लोगों का ऐसा कयास है कि ये सीट संजय जाधव जी निकाल लेंगे। रही फिर धाराशिव में भी अर्चना पाटिल अजीत गुट से अर्चना पाटिल को उम्मीदवारी दी गई है और ओम राजे निम्बालकर यूबीटी से। यहाँ भी कठिन है लेकिन यहाँ भी धाराशिव भी यूबीटी के खाते में, धाराशिव सीट जो है यूबीटी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अजीत दादा हार जी जी अजीत दादा यहाँ अर्चना पाटिल कमजोर साबित हुई है। हिंगोली की सीट देखिए, हिंगोली भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, नागेश पाटिल यूबीटी और बाबूराव कदम जो है इनको दिया गया एसएस और यूबीटी। हिंगोली में भी आपको मैं बता दूं कि बहुत कांटे की लड़ाई हुई है लेकिन वहाँ एसएस जो है सिंधे गुट का उम्मीदवार बहुत कमजोर पड़ा लास्ट जाते आते, हिंगोली जो है यूबीटी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। उद्धव जी को पांचवी सीट मिल गई जी। जालना तो देखिए राव साहब दानवे उनके रेल राज्य मंत्री हैवीवेट सीट है, हालांकि जालना में मराठों का काफी विरोध रहा, ऐसा माना जा रहा है कि मराठा जो है वो बीजेपी के खिलाफ है आरक्षण के मुद्दे को लेकर, हाँ इनकी कर्मभूमि रही अपने जरांगे पाटिल जी की, लेकिन फिर भी जालना सीट राव साहब दानवे निकालेंगे, बीजेपी निकाल लेगी इसमें कोई संदेह नहीं। उसी तरह नांदेड़ सीट जो है प्रताप राव पाटिल बीजेपी और बसंत चौहान कांग्रेस के बीच लड़ाई हुई है, तो इसमें तो देखिए नांदेड़ सीट से पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं फिर इनके साथ आए और सारी चीजें वहां पे समीकरण अंतिम अस्था समय में अशोक चौहान जी, तो ये नांदेड़ सीट भी बीजेपी के खाते में आ जाएगी इसमें कोई संदेह नहीं दिखाई देता। हाँ लड़ाई संभाजीनगर में भी है, संभाजीनगर बहुत बड़ी सीट है क्योंकि यहाँ MIM हाँ, जो है पहले इंडिया पहले औरंगाबाद थी उसको संभाजी ने उम्मीदवार, इसमें चंद्रकांत खेरे जो है यूबीटी से वो भी मंत्री रहे हैं और वो भी सांसद रहे हैं पूर्व, MIM के इम्तियाज जलील हैं और सिंधे गुट से संदीपान घुमरे को दिया गया है। तो ये संभाजीनगर सीट भी यूबीटी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है, ये चंद्रकांत खैरे जो हैं यहाँ से चुनाव बिल्कुल जीतेंगे। लातूर सीट है, लातूर को लेकर जो चर्चा चालू है, लातूर में भी काफी कठिन लड़ाई है, बीजेपी के सिंगारे जी हैं और कांग्रेस के शिवाजी कालगे, तो शिवाजी कालगे जी की स्थिति यहाँ मजबूत आ रही है, लातूर सीट जो है कांग्रेस निकालेगी ऐसा लग रहा है, लातूर सीट कांग्रेस को जी। अब आए पश्चिम महाराष्ट्र की बहुत इंपॉर्टेंट सीट बीड़ पर, बीड़ भी उनकी कर्मभूमि, पूर्व मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे की पुत्री और महिला नेता बीजेपी की लड़ रही है बीड़, यहाँ भी काफी विरोध हुआ है, बजरंग सोनौने जी जो है ये NCP शरद पवार गुट से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन ये सीट पंकजा मुंडे निकाल लेंगी, बीजेपी निकाल लेगी इसमें संदेह नजर नहीं आ रहा है। अब आ जाइए रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जो कोकण की सीट है, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है कोकण की, यहाँ स्वयं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और विनायक राउत यूबीटी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है, माना जा रहा है कि ये अंतिम चुनाव है नारायण राणे जी का, उसको इसका भी फायदा उनको मिलता हुआ दिख रहा है और सामंत जो भाई हैं वहाँ के जो काफी विधायक हैं उन्होंने मदद की है, तो ये सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब रायगढ़ भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, यहाँ से NCP के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजीत पवार गुट के सुनील तटकरे जी पूर्व सांसद और अनंत गीते के बीच में लड़ाई हुई है और बहुत अच्छी फाइट हुई है, तो इसमें यह दिख रहा है कि अनंत गीते जी इस बार शिवसेना ये सीट जो है यूबीटी जो है ये सीट निकालने में सफल होती दिख रही है। अब आ जाइए ठाणे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का गढ़ माना जाता है, इसमें भी यहाँ तो कांटे की टक्कर मानी जा रही है, बिल्कुल कांटे की टक्कर मानी जा रही है यूबीटी और एसएस में,
नरेश मस्के जी और राजन बिचारे जी यहाँ पे दोनों उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारी को लेकर भी बहुत सारे वाद विवाद हुए, तो इसमें ये देखना बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही लोगों को ये इसमें दोनों तरफ से ये हुआ कि 50-50 इस सीट पर तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को उत्कंठा लगी हुई है कि ये सीट किस तरह, बीजेपी यहाँ हालांकि चर्चा का विषय, बीजेपी यहाँ हालांकि पूरी तरह सब 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा बीजेपी के पास है, 2 शिवसेना के पास, इसके बावजूद भी अगर अप्रत्याशित रिजल्ट आए तो इसमें कोई संदेह नहीं माना जाना चाहिए, इसमें यह पूरी तरह कहना मुश्किल है कि यह सीट किसके खाते में जाएगी, लेकिन मैं रिकॉर्ड देख के कह सकता हूं कि हो सकता है नरेश मस्के कुछ कम मार्जिन से यह सीट निकाल लें, ये संभावना बन रही है। अब आ जाइए कल्याण सीट, कल्याण ये MMR की सीट की बात हम लोग बन रहे हैं, कल्याण सीट पर तो देखिए एक तरफा लड़ाई हुई है, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी और वैशाली दरेकर के बीच लड़ाई हुई है, ये सीट एक तरफा मानी जा रही है कि ये सीट शिवसेना शिंदे गुट बिल्कुल निकालेगी, इसमें कोई संदेह नहीं, इनकी मार्जिन भी अच्छी खासी रहेगी। अब पालघर सीट है, पालघर आदिवासी सीट मानी जाती है सर, यहाँ त्रिकोणी लड़ाई हुई है, यहाँ भारती कामड़ी UBT और हेमंत सावरा जो पूर्व मंत्री थे, विष्णु सावरा के उनके पुत्र हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने बीजेपी से, और राजेश पाटिल जो है ये बहुजन विकास आघाड़ी से, यहाँ त्रिकोणी संघर्ष में हेमंत सावरा की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ये सीट निकालने में सफल होगी। उसी तरह नासिक सीट जो है शिवसेना के हेमंत गोड़ से, फिर राजा भाऊ वजह जो हैं UBT से, यहाँ UBT और शिवसेना के बीच लड़ाई हुई है, बीजेपी के भी एक निर्दलीय वहाँ पे अच्छी टक्कर उन्होंने दी है, त्रिकोणी लड़ाई में ऐसे लगता है कि शिवसेना के हेमंत गोड़ से जो है ये सीट निकालने में सफल हो जाएंगे। शिंदे साहब का जी, और नंदूरबार भी बहुत बड़ी सीट है, ये यहाँ हीना गावित बीजेपी जो प्रधानमंत्री की पसंद की खासदार मानी जाती हैं, हीना गावित पूर्व मंत्री की पुत्री भी हैं ये, और इसके बाद वहाँ पे भुआल पाड़वी वो भी बड़े नेता हैं, केसी पाड़वी के परिवार से हैं, उनके पुत्र हैं, तो वो ये बड़ा अच्छी लड़ाई हुई है, लेकिन फिर भी नंदूरबार सीट जो है ये बीजेपी निकालने में सफल होती दिख रही है। जलगांव सीट जो है, जलगांव देखिए ये उत्तर महाराष्ट्र और ये मतलब सौराष्ट्र का एक अलग इलाका माना जाता है, सूखा क्षेत्र है जलगांव, तो इसमें स्मिता वाग बीजेपी और करण पवार UBT के बीच में यहाँ लड़ाई हुई है, तो यहाँ बीजेपी की सीट ये स्मिता वाग के खाते में जाएगी ऐसा तय माना जा रहा है। रावेर को तो लेकर इसकी भी चर्चा हुई, रक्षा खड़से जो है बीजेपी से और श्रीनाथ एक हैं उम्मीदवार उनके बीच में ही लड़ाई हुई है, तो रक्षा खड़से की सीट ये रावेर सीट जो है ये बीजेपी के खाते में जाएगी, एकनाथ खड़से जी की बहू हैं, एकनाथ खड़से जी अंतिम समय में उनको समर्थन भी घोषित किया उन्होंने, और ये सीट रावेर जो है बीजेपी के खाते में जाएगी इसमें। उसी तरह धुलिया शोभा बच्छाव जो हैं कांग्रेस की पुरानी नेता हैं वो लड़ी हैं, और सुभाष भामरे जी वो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, मंत्री रहे हैं, तो ये बीजेपी के पास धुलिया सीट जाएगी, धुले सीट बीजेपी कब्जा करेगी इसमें कोई डाउट नजर नहीं आ रहा, बीजेपी फिलहाल 19 स्कोर पहुंच गया है, बीजेपी को 19 सीट अब तक जो जी है, उसी तरह आप डिंडोरी सीट देख सकते हैं, डिंडोरी में भी भारती पवार और भास्कर बगरे जो NCP शरद पवार गुट के बीच में है, तो भारती पवार भी कद्दावर नेता हैं, वहां मंत्री रही हैं केंद्र में, तो ये सीट भी डिंडोरी सीट भी बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अब भिमंडी भी एक बहुत हाई प्रोफाइल और बहुत अंडर करंट वाली सीट मानी जाती है, क्योंकि इसमें तरह तरह के उम्मीदवार, तरह तरह की जातिगत समीकरण, यहाँ त्रिकोणी लड़ाई हुई है, कपिल पाटिल जी बीजेपी और बाला मामा मात्रे जो हैं NCP तुतारी से, और नीलेश सामरे एक निर्दलीय जो हैं उनका काफी प्रभाव रहा है, ऐसा लग रहा है कि नीलेश सामरे 1,00,000 करोड़ तक वो वहाँ खा जाएंगे, लेकिन त्रिकोणी लड़ाई में यहाँ कपिल पाटिल का ही पड़ला भारी नजर आ रहा है, कपिल पाटिल ये सीट निकाल सकते हैं, चर्चा है भी बाला मामा मात्रे ये दोनों की लड़ाई में भी, लेकिन यह भी अप्रत्याशित परिणाम यहाँ आ सकता है इसमें। अब आ जाइए मुंबई की 6 सीटों पर, आर्थिक राजधानी जो मुंबई है इसकी 6 सीटों पर गणना देखिए, यहाँ तो उम्मीदवार अलग अलग प्लस मतदाताओं की भी अलग अलग, विधानसभा वाइज मतदाता की मानसिकता और क्या है, इस तरह का ये शहर ही है कि हर तरह से एक
बोलते हैं ना, जब मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाते यहाँ अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुंबई करो आ जाइए लाइन पे और देखिए मुंबई करो के लिए ये उत्तर मध्य मुंबई जो बहुत और सबसे बड़ी चीज बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवार यहाँ बदल दिए तीनों के तीनों उम्मीदवार उन्होंने बदल दिए। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कुछ सर्वे किया और उसके आधार पर उन्होंने देखा कि भाई उम्मीदवार बदलने से हमको फायदा होगा, तो उन्होंने बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिए। उत्तर मध्य मुंबई से उन्होंने प्रसिद्ध वकील एडवोकेट उज्ज्वल निकम को उतारा, तो दूसरी तरफ मुंबई प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष जो हैं वर्षा गायकवाड़ जी, उनको विधायक का विधायक हैं, उनको यहाँ लड़ाई बड़ी उनके पिता सांसद रहे हैं। तो हाँ, एकनाथ गायकवाड़ जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ उज्ज्वल निकम का पड़ला भारी नजर आ जाता है, पढ़े लिखे मतदाता या और भी जो हैं शहरी मतदाता जो हैं बीजेपी की तरफ, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सभाएं और उनका रोड शो भी हुआ उसका असर। उसी तरह मुंबई दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल सेवाले और इनके अनिल देसाई यूबीटी के भैया, यहाँ मतलब दोनों शिवसेना के बीच मुकाबला हुआ है जिसमें राहुल सेवाले जी का पड़ला भारी नजर आ रहा है सिंधे साहब का, और वो सीट ये निकालेंगे ये तय माना जा रहा है। अब आ जाएंगे दक्षिण मुंबई में भी बहुत ही कट्टर मतलब एक टक्कर देखने को मिली है, और यहाँ देखिए मराठी मतदाताओं के ऊपर बहुत सारा 41% मराठी वोटर है। अब मराठी वोटर किस शिवसेना के साथ जाते हैं ये भी देखना यहाँ दिलचस्प है। अंत तक खुल नहीं पाए लोग, मन से भी समर्थन में रही, तो लेकिन दक्षिण मुंबई में अरविंद सावंत हाईवेट नेता माने जाते हैं, उनके विरोध में यामिनी जाधव शिवसेना से, लेकिन इसमें अरविंद सावंत का ही पड़ा भारी नजर आ रहा है और अरविंद सावंत ये सीट निकाल लेंगे ऐसा कहा जा रहा है। अब आ जाइए मुंबई उत्तर भी बहुत बीजेपी का तो एक गढ़ माना जाता है, तो पीयूष गोयल जी जो मंत्री भी रहे, इस बार पहली बार वो जनता की अदालत में आके चुनाव लड़ रहे हैं, तो पीयूष गोयल जो हैं ये सीट निकालने में सफल होंगे, यानी बीजेपी के खाते में ये सीट जाएगी इसमें संदेह नजर नहीं आ रहा है। अब आ जाइए मुंबई उत्तर पश्चिम, यहाँ भी ऐसी लड़ाई है कि पिता दूसरे दल में पुत्र दूसरे दल में, तो जो पुत्र थे अमोल कीर्तिकर जी जो वो यूपीटी से चुनाव लड़े हैं, वो बहुत शिद्दत से लड़े हैं चुनाव अमोल कीर्तिकर जी, और उनके विरोध में रविंद्र वायकर को अंतिम समय में शिवसेना ने उतारा, वो असर यहाँ पर बीजेपी के ज्यादा वोटर हैं इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अमोल कीर्तिकर और यूबीटी का लाभ मतलब यूबीटी के संगठन का लाभ अमोल कीर्तिकर को दिखाई दिया मिलते हुए, तो इस तरह ये यूबीटी इस सीट पर बाजी मारेगी ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ईशान मुंबई में भी मिहिर कोटेचा जो हैं नए उम्मीदवार बनाए गए, और उस संजय दीना पाटिल जो थे ये यूबीटी से उम्मीदवार रहे, यहाँ भी बहुत कठिन लड़ाई हुई है, लेकिन ये है माना जा रहा है कि जो बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्र थे जैसे मुलुंड हुआ, ये अपना घाटकोपर हुआ, यहाँ जो है अच्छा मतदान हुआ, अच्छी वोटिंग हुई, तो हो सकता है बीजेपी अपनी ये सीट जो है ये कायम रखने में सफल हो ऐसा पूरी तरह माना जा रहा है। तो इस तरह का यह समीकरण 48 सीटों का महाराष्ट्र का है, जहां तक हम लोगों ने लोगों से बातचीत करके लोगों के मत जानकर ये सब चीजें तैयार की हैं। हाँ, इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव होने की संभावना कम है, और कुछ सीटों पर एक अप्रत्याशित हो सकते हैं, अरे ये कैसे चुन के आ गए, तो ये हम लोगों का एक अध्ययन आपकी मदद से बनाया हुआ है। अब ये पाठक इस पर अपना आकलन करें, देखें सुने, और बाकी 4 तारीख को तो निर्णय होना ही है, 4 तारीख को ही होना है, सारी चीजें एकदम कल से आ जाएगा। ये एक तरह का हम लोगों का एक प्रयास है कि 48 सीटों में से एक किस तरह की चल रही है और प्रकृति क्या रही, बदली तो बहुत हुई है, तो आप देख सकते हैं इस पर। और तो आगे इसमें हम बताना चाहते हैं कि जो इन्होंने विश्लेषण किया है 48 सीटों पर, उसमें बीजेपी को 24 सीट जाती हुई दिख रही है, यानी 28 में से बीजेपी 24 सीट पर बाजी मारती हुई दिख रही है, तो बीजेपी के यहाँ पर तो ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन सिंधे साहब का जो है 15 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 6 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। अजीत दादा को 2 सीट मिलता हुआ दिख रहा है, यानी वो 5 सीट पे चुनाव लड़े थे, एक जो है उनका बारामती का सीट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जीतता हुआ दिख रहा है, और एक सीट है जो सिरूर का। तो 2 सीट जो है अजीत दादा को मिलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस को यहाँ पर जो 2019 में 1 सीट पे थी, इस बार जो है 6 सीट पे जीतती हुई दिखाई दे रही है, और शरद पवार जी को 1 सीट मिलता हुआ दिख रहा है माढ़ा का।
और रही बात तो उद्धव जी का, तो उद्धव जी ने जो 21 सीट पर चुनाव लड़े थे उनको जो है 9 सीट मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि उद्धव जी को 9 सीट और शिंदे साहब को 6 सीट, यहाँ पर जो है शिंदे साहब के ऊपर उद्धव जी भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एकदम आप नोट कर लीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लड़ाई जो है जो दो शिवसेना की थी उसमें कौन किस पे भारी है, तो इसमें यहाँ पर उद्धव जी भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं हमारे सर्वे में, सूर्यप्रकाश मिश्रा जी के सर्वे में। हाँ, ये भी स्पष्ट कर दें कि हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन ये स्थिति परिस्थिति मतदाताओं से कुछ बात करके उसके बाद ये बनी हुई है। ये अगर हम इसमें कुछ बदलाव संभव है, 2-4 सीटें इधर की उधर, 1-2 सीटें इधर की उधर हो सकती है। तो NDA की जो है 48 में से 24, 6, 30 और 2, 32, यानी 32 सीट्स जो है NDA को जाती हुई दिख रही है। और वहीं पर जो है विपक्ष में यानी कि महाविकास आघाड़ी को 6, 1, 7 और 9, 16 सीट जो है विपक्ष जाती हुई दिख रही है, यानी 32 और 16, 48 में से 32 और 16, यानी 32 NDA को, 16 जो है महाविकास, 2-3 सीटों का जी जो है ये कम हो सकता है, जैसे 28 से 32 हो गया, 28 आ गए तो 20 आ सकते हैं, वो 32-35 भी हो सकता है, 32-30 भी हो सकता है। 32 से तो 35 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ 32 से 30 हो जाएगा। मुझे वही मैं कह रहा हूँ, 32 से 35 भी हो सकता है, 32 से 30 भी हो सकता है, इनकी जो 16 से 20 हो सकती है, 16 से 20 हो सकती है, 16 से 28 से 32 हो सकती है, 32 से 28 और 16 से 20 और 20 से 16 भी हो सकती है, 16 से 12 भी हो सकती है, ये भी मैं बोलता हूँ। नहीं, वो आपका आकलन है, आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने बहुत मेहनत करके बनाया जो ये। तो फ्रेंड्स, आपका भी कुछ आकलन होगा, जो हमने सीट बताई है क्या यह सही है? आपने तो एक एक सीट का ब्यौरा देखा होगा कि कौन किस पे भारी पड़ रहा है, कौन से सीट पे कौन आगे दिखाई दे रहा है। तो हमने पूरा एक एक सीट का ब्यौरा बताया आपको, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विशेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हमने इतना मेहनत किया तो हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले जो वीडियो हमारा आपको देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद।